ये है बहरीन मिलिट्री म्यूज़ियम, इसका एंट्रेंस सामने से, और उधर कुछ टैंक्स कार वगैरह है वो देख के आता हूँ मैं। ये है कुछ टैंक, इसका नाम है इन्फेंट्री आर्मोर्ड कॉम्बैट, जो कि रशिया में 1996 में मैन्युफैक्चर हुई थी। बाप रे कितनी बड़ी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यूज़ हुआ था बहरीन में, इसको 70s में लाया गया। क्या चीज़ है देखो भाई, दो सीट है, एक ये साइड है एक वो साइड है, इधर से उसका पूरा कंट्रोल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग में जा रहा हूँ मैं मिलिट्री म्यूजियम बहरीन के, तो कुछ पासपोर्ट वगैरह इसके अंदर लिया और पानी वगैरह भी लिया रास्ते के लिए, रास्ते में लगेगा तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गाइस ये एरिया देखो कितनी शांत है, ना कुछ आवाज़ ना कौन लोग ज़्यादा, बस गाड़ी है यार, खाली रास्ते। बहरीन में आया हो तब से मेरे को इधर उधर खुली एरिया और पहाड़ देखने मिल रहा है अभी फर्स्ट टाइम, तो इतने टाइम से देखने ही नहीं मिला मेरे को पहाड़ वगैरह। ये कुछ ऐसा दिखता है मिलिट्री म्यूज़ियम बाहर से, एकदम फोर्ट टाइप, किला टाइप। चलो जाता हूँ अंदर, देखता हूँ अंदर कैसा है, अंदर वीडियोग्राफी मिलती है कि नहीं, फ़ोटोज़ वगैरह। ये है बहरीन मिलिट्री म्यूज़ियम, इसका एंट्रेंस सामने से, और उधर कुछ टैंक्स कार वगैरह है वो देख के आता हूँ मैं। इसका छोटा सा गार्डन एंट्रेंस का, अभी अंदर देखते कैमरा अलाव है क्या। मैं आ गया हूँ मिलिट्री म्यूज़ियम में, इधर बाहर आपको जीप है, एक ऊपर एक टैंक है, उसके बाद पीछे एक भारी वाली टैंक है, आपको दिखाता हूँ। ये है कुछ टैंक, इसका नाम है इन्फेंट्री आर्मोर्ड कॉम्बैट, जो कि रशिया में 1996 में मैन्युफैक्चर हुई थी। बाप रे कितनी बड़ी है, इसका गेट किधर से, शायद ये गेट है अंदर जाने का, अंदर जाने का क्या पता। बहुत भारी है एक है, इसको एग्जैक्टली अपन क्या बोलेंगे समझ नहीं आता। इसका नाम है बोफोर, एंटिक एयरक्राफ्ट है, स्वीडन में 1932 को मैन्युफैक्चर हुआ था इसका, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यूज़ हुआ था बहरीन में, इसको 70s में लाया गया। क्या चीज़ है देखो भाई, दो सीट है, एक ये साइड है एक वो साइड है, इधर से उसका पूरा कंट्रोल है। इसको स्टीयरिंग वगैरह नहीं है, बस एक जगह पर जो प्लेन आते रहेंगे ना ऊपर से उसको मारने के लिए भाई। इसके कंट्रोल्स देखो, जब चलते रहेंगे तो इसका क्या आवाज़ आता रहेगा, ज़बरदस्त एकदम खतरनाक है। चलो अभी आगे दूसरी देखते हैं, अभी अंदर अलाव है कि नहीं पता नहीं, वीडियोग्राफी देखते पूछते। छोटा सा गार्डन एकदम क्यूट सा, के अंदर एक जीप जो कि पहले दिखाया, ये भी USA की मेड है। अभी मेरे को ये जो लाल मार्क है ना उसके ऊपर जाने बोले, इसको इसको फॉलो करते जाओ आपको मिलेगा। ओहो ये कौन सी टैंक है इसको, चलो देखते हैं। इसका नाम है सलादीन FV601, जो कि ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर हुई है। ओह कितनी बड़ी है, ये तो 6 टायर की है पूरी, इधर 3 वो साइड 3, और इसके साथ 76mm गन वॉज एडोप्टेड बाय द ब्रिटिश आर्मी। ये 70s के बिगनिंग्स में आई थी इधर। अभी नेक्स्ट है ये, इसको देखते हैं क्या क्या इसके अंदर है। ये फील्ड कैनन है, मेड इन ब्रिटेन 1970, एंटर्ड इनटू सर्विस बहरीन डिफेंस फोर्स 1971, फील्ड कैनन।
आजकल इसको ज़रा इसका अपडेट वर्जन भी है देखने मिलता है किधर यूट्यूब वगैरह पर, जो कि इसका कुछ इधर ट्रिगर रहता है खींचने का, एग्जैक्टली किधर है अपने को समझ लेने वाला। इधर से निशाना लगाए किधर जाएगा, बहुत दूर जाएगा नारियल के ऊपर से जाएंगे। ये दोनों तो हो गए, अभी उधर पीछे जाता हूँ उनको देखता हूँ क्या चीज़ है। फील्ड कैनन उसकी तरह, और ये है फेरेंट आर्मोर्ड कार मेड इन ब्रिटेन बिटवीन 1952 टू 1971। ये ज़्यादातर मशीन गन है, मशीन गन के लिए यूज़ हो रही है शायद, कोई इतना नॉलेज नहीं इसका, पर अच्छा लग रहा है देखने में। इसके अंदर कवर क्या चीज़ है, ब्लैक ब्लैक क्या कवर किया हुआ है क्या पता, नहीं निकाला ही अच्छा है। इसके बाद हेडलाइट्स की भारी है, स्टेपनी इसको एक्स्ट्रा, चार टायर की ये है आर्मर। अंदर से कैसी होंगी, एकदम अजीब, कांच बैठने मिला होता अंदर। फिर मैं आता हूँ अंदर, अंदर फोटोज़ वीडियोस अलाउ नहीं था इसलिए ऑनलाइन से फ़ोटोज़ लिया। उनको बोला था मैं ऑनलाइन से लेके यूट्यूब पे डालूंगा तो चलेगा, तो उनने बोला चलेगा, इसलिए अभी यहाँ पर से स्लाइड शो चालू कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर गया, इधर वीडियोग्राफी अलाउड है, लिफ्ट में क्या अलाउड है। मिलिट्री म्यूजियम मैं, इधर मेरे को अफसोस हुआ कि फोटो वीडियोस नहीं ले पाया मैं। मज़ा आया कुछ मिलिट्री म्यूजियम में, साला अंदर फोटोज वीडियोस नहीं निकालने मिला, बहुत बड़ा दुख हो लगा मुझे इतना आया मैं खास स्पेशल उसके लिए। एक अच्छा था कि इधर
एंट्री फ्री थी। मैं ऑनलाइन देखा तो कुछ बताया था 50 फील्ड्स, इधर आके मालूम पड़ा कि फ्री है। एंट्री म्यूजियम से तो आ गए, अभी जा रहा हूँ नमाज को। नमाज का भी टाइम हुआ है, अजान हो के गई तो सामने मस्जिद है, नमाज ले पढ़ता हूँ जल्दी। तो अभी नमाज़ पढ़ के भी हो गई, अभी जा रहा हूँ घर की तरफ। मेरे दोनों काम हो गए, म्यूजियम का भी देखे हुए और दूसरा काम तो अभी हो गया। चलो जाता हूँ अभी घर की तरफ। अभी घर के पास तो आ गए लेकिन दरवाज़ा है अंदर से लॉक। इम्तियाज़ भाई गए हुए चाबी लेके, वो भी अंदर है नहीं। अभी क्या मालूम कभी अंदर जाऊँगा मैं। तो फाइनली घर पे आ गया अंदर। बहुत टाइम लगा इम्तियाज़ भाई ने आने में। अभी थोड़ा खाना पीना खाता हूँ। सो गाइस, खाना खा के भी हो गया, फिर आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।